ऐसा है कि जब निर्णय होगा वो अनुशासन कमेटी के पास में है और निर्णय लेने का अधिकार अनुशासन समिति को, वो पेंडिंग है मतलब चुनाव परिणाम, हाँ जब भी निर्णय करेगी वो अनुशासन समिति करेगी। गहलोत सीधा जवाब दे इनका कि जो हमने ये ब्लैक पेपर जारी किया है इनके जवाब क्या वो दे सकते हैं? अगर वो दे सकते हैं तो अशोक जी ऐसे जो भी हैं उनको उनके खिलाफ निश्चित रूप से एक्शन होगा और बहुत कम संख्या के अंदर है बाकी प्रत्यक्ष। अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के आज जोधपुर के दोनों निगमों के अंदर हम अच्छी बहुमत के साथ में जीत गए। सामने हर योजना का हिसाब होता है और जनता अपने हित को देखती है और कौन विकास करवा रहा है, कौन काम करवा रहा है, कौन राष्ट्रवादी है और कौन अराष्ट्रवादी है। ये चुनाव राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल हर मुद्दा आज इस चुनाव के अंदर जुड़ा हुआ है, चाहे वो स्थानीय मुद्दे हो चाहे राष्ट्रवाद हो। इस मुद्दे इस चुनाव के अंदर आज जनता है वो राष्ट्र को भी देखती है, राष्ट्र सर्वोपरि है और उसके बाद में देश का आम आदमी है वो अपने विकास को देखता है। तो निश्चित रूप से दोनों चीजें एक साथ जुड़ी है। हमने पंचायती राज के अंदर भी विरोध किया, हमने अपना विरोध दर्ज करवाया, हमने कोर्ट के तक गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो निर्णय उसके बाद में हम चुनाव पहले भी पंचायती राज के और नगर पालिका के चुनाव के दौरान भी गए थे और अभी भी गए, उसके बावजूद भी अगर ऐसा निर्णय हो तो जनता है उसका परिणाम का परिणाम देगी। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, संख्या हमारे पास है, जो भी हमारे हैं 7-8 लोग हैं, सूची हमारे पास आ गई है, सूची हमने प्रदेश को भेज दी है और उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए। राजस्थान पूरे को लेकर बीजेपी ने जारी किया जोधपुर के लिए? नहीं, पूरे राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए जी, जोधपुर का भी है वो आप देख लेंगे, विषय नहीं होता है। मेरी बात सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको कि ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई ऐसा विशेष बागी प्रत्याशी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी बागी प्रत्याशी उनका हमने हमारी जो अनुशासन कमेटी है उसके पास में नाम भेजे और जो अनुशासन कमेटी निर्णय लेगी उसके आधार पर आगे तक जाएंगे। मैंने कहा जो है बहुत कम है और बहुत कम है। ऐसा है जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर निर्णय होता है उस सर्वसम्मति से निर्णय होता है और जो प्रत्याशी टिकट लेकर हमारे जो खड़े हैं उसके अतिरिक्त जो भी खड़े हैं वो चाहे वो कांग्रेस के अंदर है तो ऐसा पूरी लिस्ट फहरिस्त बनी हुई है जो कांग्रेस के अंदर भी है और निश्चित रूप से जो बागी हैं उनके खिलाफ अनुशासन समिति काम कार्रवाई करेगी। मरोड़ करे चाहे कितना भी कानून को ताक में रखे लेकिन उसके बावजूद भी जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आएंगे। नहीं, मेरा सवाल है वो कानून सम्मत है या नहीं, आप कानून सम्मत नहीं बता रहे हो। ऐसा है कि जो नियम है उसमें 10% का डिफरेंस हो सकता है लेकिन उसके बावजूद भी ये सबके सामने है कि एक वार्ड है जो 3,000 का है और एक वार्ड 7,000 का है, 10% का डिफरेंस है तो आप बता सकते हैं इसमें कितना डिफरेंस है, जस्ट डबल से अधिक है। इसलिए कानून को ताक में रखकर नियमों को धत्ता दिखाते हुए इन्होंने ये वार्डों का गठन किया है और ऐसा ही नहीं ये पंचायतों के अंदर भी इन्होंने किया ऐसा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा नगर पालिका के जहां चुनाव हुए वहां पर भी उन्होंने ऐसा किया था, उसके बावजूद भी नगर पालिका के बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के अधिक बने और जहां पंचायतों के चुनाव हुए वहां पर भी हमारे सरपंच अधिक बने, हमारे प्रधान अधिक बने और ऐसा ही इनको इस चुनाव के अंदर भी जनता जवाब देगी। आपको लगता है कि आपको तो भी योजना है बिना केंद्र की स्टेट की